नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सरकार जल्द लाएगी एक और राहत पैकेज, वित्त सचिव ने दिए संकेत। देश भर में फैले कोरोना वायरस से उद्योग धंधों को पटरी पर लाने और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है। वित्त सचिव के मुताबिक सरकार एक दूसरे स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है। ये पैकेज कब तक आएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने ANI को बताया कि सरकार लगातार जमीनी स्तर तक स्थिति की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए और सेक्टर के हिसाब से मदद मुहैया कराने का प्लान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव समय समय पर लेते रहते हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में कुछ युवकों ने धोखे से पढ़ी नमाज, FIR दर्ज। नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। मंदिर प्रशासन की शिकायत पर फैजल खान और उसके दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के लोग हैं। इन्होंने नमाज पढ़ने का फोटो सोशल मीडिया में वायरल किया था। दरअसल दिल्ली की संस्था खुदाई खिदमतगार के सदस्य फैजल खान और मोहम्मद चांद गांधी वादी कार्यकर्ता नलेश गुप्ता और आलोक रत्न के साथ नंद गांव के नंद बाबा मंदिर पहुंचे। दोपहर 2 बजे युवकों ने यहां जौहर की नमाज अदा की। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला देने वाले पूर्व जज की नहीं बढ़ेगी सुरक्षा, SC ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले पूर्व न्यायाधीश SK यादव को मिली सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, MM जोशी और उमा भारती का नाम शामिल था। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति नवन सिन्हा और कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ पूर्व न्यायाधीश के अनुरोध पर विचार कर रही थी, जिसमें अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस दौरान पीठ ने कहा, हम सुरक्षा बढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर कल होंगे वोटिंग, 24 लाख से ज्यादा वोटर चुनेंगे अपना विधायक। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर यानी मंगलवार सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। 7 विधानसभा सीटों पर कुल 24,27,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 13,684 पुरुष और 11,27,108 महिला मतदाता होंगी। साथ ही 130 थर्ड जेंडर वोट डालेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 45,231 नए मरीज, 75 लाख से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 45,231 नए मरीज बढ़े और 496 मरीजों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 82,29,313 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75,44,798 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 5,61,908 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, यानी ये एक्टिव केस है। इमरान को पड़ी भारी बयानबाजी, फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। फ्रांस ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। फ्रांस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सूजा पाशा की रिश्तेदारी सहित 183 पाकिस्तानी नागरिकों का विजिटर वीजा रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने 118 पाकिस्तानियों को जबरन डिपोर्ट भी किया है। इमैनुअल मैक्रो सरकार की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांस विरोधी बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।